और अब बात करते हैं रीवा की, जहां विधानसभा अध्यक्ष का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सरकार के द्वारा जनता को दिए गए पैसों को और मदद को खुद के द्वारा दी गई मदद बताते हुए लोगों को अपने समर्थित प्रत्याशी को वोट डालने के लिए दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रीवा जिले में जहां इस समय पंचायती चुनाव जोरों पर चल रहे हैं और हाल ही में प्रथम चरण के चुनाव में वोटिंग होने के बाद कई दिग्गज प्रत्याशियों की हार हुई और हर पार्टी अपने उम्मीदवार का जोर शोर से प्रचार प्रसार करती हुई दिख रही है। उसी कड़ी को देखते हुए वार्ड क्रमांक 14 में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और देवतला विधानसभा के विधायक के द्वारा अपने द्वार का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने सरकार की दी गई मदद को खुद के द्वारा दी गई मदद बताते हुए जनता को अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए दबाव बना रहे थे और ऐसा ना करने पर इनको बाद में धमकी भरे लहजे से वोटरों के ऊपर दबाव बनाते हुए देखा जा रहा है। देखिए वीडियो में क्या कहा है विधानसभा अध्यक्ष ने वार्ड क्रमांक 14 की जनता को, जब माननीय जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति बार बार माननीय का पैर छू रहा था, लेकिन प्रचार प्रसार और अपने पद को हासिल करने में इतने मशगूल रहे कि बुजुर्ग की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर कहा कि अगर वोट छाते में नहीं दोगे तो वह कूट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ठीक है, एका का हाथ एका वोट दे दे जी, इधर हाथ उठा दो, हमारे कहे सब लोग 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 हमारे कहन देवे ना, हमार चुनाव चिन्ह में छाता है, का है जरा बोला था, छाता छाता है, जोर से बोला था, छाता और जोर से बोला, सबको बोला का है चुनाव चिन्ह, छाता चुनाव चिन्ह, छाता चुनाव चिन्ह, छाता पंचायत के चुनाव में छाता में वोट दे, जिला पंचायत की खड़ी है सपना सिंह कारण सबको बताए दे।